भारत बंद है जिसका व्यापक असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है। इस वक्त हम राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मौजूद हैं जहां पर एक बस को निशाना बनाया गया है भारत बंद समर्थकों द्वारा। बस को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये जो बस है भारत सरकार पूर्व मध्य रेलवे की है, जो इसका रेलवे के जिसमें कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं जो आवाजाही के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस बस को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जो जानकारी जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो बस पर जो हमला बोला गया था, जो वो जाप के कार्यकर्ताओं द्वारा बोला गया था, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ज़मीन पर पड़े ये डंडे के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इन्हीं सब डंडों के से शीशों पर तोड़ा गया है। और जो तमाम जो यात्री थे उस वक्त बस में ही मौजूद थे, जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाकर यहाँ से वो निकले। और ये बस अभी भी के अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से शीशे के कांच जो हैं कि पूरे बस के अंदर बिखरे पड़े हैं। बस के अंदर से लेकर बस के बाहर सड़कों पर भी शीशे के कांच जो हैं बिखरे पड़े हैं। यानी कि वो तस्वीरें सोच सकते हैं कि आप किस तरीके का होगा कि जब कितने लोगों में डर व्याप्त होगा। और दूसरी ओर आप नज़ारा दिखा रहे हैं कि जाप के कार्यकर्ता, जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस पूरे सड़क को ब्लॉक कर रखा है। लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेल हो या सड़क मार्ग, दोनों मार्ग को बाधित हैं। जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आवाजाही करने वाले लोग हैं, आज के दिन उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि ये जो बंद है कांग्रेस ने बुलाया था। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस को समर्थन करीब 21 दलों ने दिया है।